दोस्तों फिर एक बार स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जो कि माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपसे बात की थी, चर्चा की थी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की। तो उस वीडियो में हमने आधे पार्ट का, हाफ लेसन का हमने अर्थ समझा था। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट जो हाफ इसका चैप्टर का पार्ट रह गया उसके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि ठीक प्रकार से इसका अर्थ आपके समझ में आ जाए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। माई वर्क प्लीज्ड, मेरे काम से खुश हो गया द कैप्टन, माने कप्तान। कप्तान ने मेरे काम से खुश होकर के सो वेल, इतना अधिक खुश हुआ कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कह दिया कि आई कुड कंटिन्यू, मैं लगातार कार्य कर सकता था। वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट, एक छोटे से धन पर डे, रोजाना के छोटे से धन पर, छोटे से दिन मजदूरी पर मैं नियमित काम कर सकता था। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड, इससे मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। आई कंटिन्यूड, मैं लगातार वर्किंग काम करता रहा। ऑन दिस वेसल, इस जहाज पर लगातार काम करता रहा। फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मैंने कई दिनों तक मैंने काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड, और भोजन खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेजेस, जो भी मेरी छोटी सी मजदूरी होती थी उसमें से भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच, अधिक नहीं, लेफ्ट माने बचता था, ज्यादा धन नहीं बचता था, टू पे माने चुकाने के लिए, माई वे टू हैम्पटन, अपने रास्ते का खर्चा उठाने के लिए, हैम्पटन का अपने रास्ते का खर्चा उठाने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं बचता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, और किसी भी तरीके से, आर्थिक हर संभव तरीके से, इन एवरी वे पॉसिबल, जो भी आर्थिक रूप से जितना भी मैं बचा सकता था, आई कंटिन्यूड, मैं लगातार टू स्लीप, मैंने सोता रहा, अंडर द साइडवॉक, उस साइडवॉक पर, चबूतरे पर नीचे ही सोता रहा, ताकि मैं इकोनोमाइज मींस जो अपने आगे की यात्रा के लिए धन को बचाना, उसे बचाने के लिए मैं उस चबूतरे पर ही सोता रहा। व्हेन आई हैड सेव्ड, जब मैंने बचा लिया एनफ मनी, पर्याप्त रूप से धन बचा लिया, विद विच मैंने, जिससे कि टू रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, तो आई थैंक्ड, मैंने धन्यवाद दिया कप्तान को। टू दी वेसल, उस जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया, फॉर इस काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस, और बिना किसी असाधारण घटना के, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, मैं वहां पर पहुंचा, उस समय मेरे पास कुछ थोड़े से ज्यादा थे, ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, लगभग 50 सेंट से कुछ ज्यादा मेरे पास धन बचा था। विद विच माने जिससे कि, टू बिगिन माने मुझे शुरू करनी थी माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी अपनी एजुकेशन यानी कि शिक्षा शुरू करनी थी। द फर्स्ट साइट, पहला दृश्य ऑफ द लार्ज, उस विशाल 3-story brick, 3 मंजिला ईंटों से बनी इमारत का, स्कूल की इमारत का जो पहला दृश्य था, वो सीम्ड माने प्रतीत हुआ, टू हैव रिवार्डेड, मुझे इनाम देता हुआ प्रतीत हुआ, फॉर ऑल, उस सब के बदले में, दैट आई हैड अंडरगोन, जो कि मैंने परेशानियां उठाई थी, इन ऑर्डर टू रीच माने पहुंचने में, उस प्लेस, उस स्थान तक पहुंचने में मैंने जो भी परेशानियां उठाई थी, उस सब के बदले में, उस 3 मंजिला जो ईंटों से बनी इमारत का जो पहला दृश्य था, वो मेरे लिए रिवार्ड था, इनाम था। द साइट ऑफ इट, इसका जो दृश्य था, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू गिव मी, मुझे देता हुआ न्यू लाइफ, मुझे नया जीवन देता हुआ प्रतीत हुआ। एज सून एज, जितना शीघ्र संभव हो सकता था, पॉसिबल संभव हो सकता था, आफ्टर रीचिंग माने पहुंचने के बाद, ग्राउंड्स माने उस मैदान पर, ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के मैदान पर पहुंचने के बाद, जितना शीघ्र संभव हो सकता था, आई प्रेजेंटेड, मैंने उपस्थित किया, उतनी ही शीघ्र मैंने अपने आप को उपस्थित कर दिया, बिफोर मैंने सामने हेड टीचर के सामने मैं उपस्थित हो गया, फॉर असाइनमेंट, कार्य के लिए, टू ए क्लास, कक्षा में एडमिशन के लिए, ताकि वो मुझे कोई ऐसा कार्य दे दें जिसको करके मैं एडमिशन पा सकूं, इसके लिए मैं उनके सामने उपस्थित हुआ। हैविंग बीन सो लॉन्ग, लंबे समय तक विदाउट प्रॉपर फूड, बिना भोजन किए, क्योंकि मैंने लंबे समय तक भोजन नहीं किया था, उसके कारण बाथ, नहाया भी नहीं था, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और मैंने अपने कपड़े नहीं बदले थे, उसी कारण आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, मैं वास्तव में नहीं, मेक ए वेरी, मैं नहीं डाल सका, बहुत फेवरेबल माने अपने पक्ष में इंप्रेशन, प्रभाव मैं उन पर नहीं डाल सका।
अपॉन हर, माने उन पर मैं अपने पक्ष में प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी, मैं देख सकता था, एट वंस माने तुरंत, मैं तुरंत ही यह बात देख सकता था कि देयर वर डाउट्स, कि उनके मन में संदेह थे, इन हर माइंड उनके दिमाग में, अबाउट द विजडम माने ज्ञान के बारे में, और एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट कि मुझे स्टूडेंट के रूप में एडमिट देने में उनके मन में मेरे प्रति और मेरे ज्ञान के प्रति कुछ उनके मन में संदेह था। फॉर सम टाइम कुछ समय तक, शी डिड नॉट रिफ्यूज उन्होंने इनकार नहीं किया, टू एडमिट मी मुझे दाखिला देने से इनकार नहीं किया, नाइदर डिड सी डिसाइड और ना ही उन्होंने निर्णय किया, इन माई फेवर मेरे पक्ष में उन्होंने निर्णय भी नहीं किया। आई कंटिन्यूड मैं लगातार लिंगर अबाउट माने चक्कर काटता रहा, अबाउट हर उनके चारों तरफ चक्कर काटता रहा, एंड टू इम्प्रेस और प्रभावित करने का प्रयास करता रहा, हर माने उन्हें ऑल द वे सभी तरीके से, हर संभव तरीके से मैं उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता रहा। आई कुड जो मैं कर सकता था, विद माई वर्दीनेस अपनी योग्यता के अनुसार जो भी मैं कर सकता था वो मैं करता रहा। इन द मीन टाइम उसी बीच आई सा मैंने देखा, हर माने उन्हें एडमिटिंग माने प्रवेश देते हुए, अदर स्टूडेंट इसी बीच में मैंने उन्हें दूसरे छात्रों को प्रवेश देते हुए देखा, एंड दैट और इसी बात ने एडिड माने बढ़ा दिया, ग्रेटली माने बहुत अधिक, टू माई डिसकम्फर्ट मेरी बेचैनी को बहुत अधिक बढ़ा दिया। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, डीप डाउन बैठता हुआ, इन माई हर्ट मुझे अपना हृदय बैठता हुआ महसूस हुआ, दैट आई कुड क्योंकि वो सब कुछ मैं कर सकता था, एज वेल उसी प्रकार से एज दे जैसा कि वे कर सकते थे जिनको कि प्रवेश दिया जा रहा था, जो वो कर सकते थे वो मैं भी कर सकता था। इफ आई कुड ओनली यदि मुझे केवल गेट ए चांस मुझे मौका मिल जाता, टू शो माने दिखाने का, व्हाट वाज इन मी कि मेरे अंदर क्या योग्यता है, यदि उसे दिखाने का मुझे मौका मिल जाता तो मैं वो सब कुछ कर सकता था जो कुछ वो कर सकते थे जिनको मौका दिया जा रहा था एडमिशन का। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों के बाद, हेड पास्ट जब कुछ घंटे गुजर गए उसके बाद, द हेड टीचर यानी कि प्रधानाध्यापिका जो थी, सेड टू मी उन्होंने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रजिस्ट्रेशन पड़ोस में जो संगीत कक्ष है, रजिस्ट्रेशन रूम माने संगीत कक्ष, उसे नीड्स माने आवश्यकता है, स्वीपिंग माने सफाई की, उसे सफाई की आवश्यकता है, टेक द ब्रूम झाड़ू ले लो एंड स्वीप इट और उसे साफ करो। इट ऑक्योर्ड टू मी यह प्रतीत हुआ मुझे, एट वंस माने तुरंत ही, कि हेयर वाज माई चांस कि यहां मेरे लिए मौका है, नेवर आई डिड रिसीव मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया था एन ऑर्डर किसी भी एक आदेश को, विद मोर डिलाइट इससे पहले मैंने कभी भी इतने खुशी के साथ में किसी का आदेश नहीं माना था। आई स्वेप्ट मैंने साफ किया, रजिस्ट्रेशन रूम संगीत कक्ष को मैंने साफ किया, थ्री टाइम्स मैंने तीन बार, देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ तब मैंने लिया एक धूल बल झाड़ने वाला कपड़ा लिया, एंड आई डस्टेड और मैंने धूल झाड़ी, इट मैंने उससे फोर टाइम्स मैंने चार बार लगभग धूल साफ की, ऑल द वुडवर्क सभी वुडवर्क जो भी लकड़ी का सामान था उस पर से, अराउंड द वॉल्स जो दीवारों पर लगा था उनकी सबकी धूल साफ की, एवरी बेंच हर बेंच की धूल साफ की, टेबल की एंड डेस्क और डेस्क की सारी धूल मैंने साफ की। आई वेंट ओवर फोर टाइम्स मैं लगभग चार बार से भी ज्यादा बार गया, विद माई डस्टिंग क्लॉथ अपने डस्टिंग क्लॉथ को लेकर के, धूल झाड़ने वाले कपड़े को लेकर के लगभग चार बार से ज्यादा मैं उन सब सामानों को साफ करने के लिए गया। Besides every piece, besides माने अतिरिक्त, every piece हर पीस के अतिरिक्त और फर्नीचर यानी कि हर फर्नीचर के अतिरिक्त, फर्नीचर had been moved and every closet और हर इसके अतिरिक्त जो है मैं हर फर्नीचर के पास गया और हर अलमारी को कोनों को मैंने साफ किया, इन द रूम कमरे में had been thoroughly पूरी तरीके से मैंने उनको साफ किया। I had the feeling मेरे मन में यह भावना थी कि इन ए लार्ज मीजोर की बहुत अधिक मात्रा में माई फ्यूचर माने मेरा भविष्य डिपेंडेड माने निर्भर था अपॉन द इम्प्रेशन उस प्रभाव पर निर्भर था जो कि आई मेड जो कि मैंने बनाया अपॉन द टीचर उस अपनी अध्यापिका पर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम उस कमरे को साफ करके जो भी मैं प्रभाव अपने टीचर के ऊपर बनाऊंगा उसी सब पर मेरा भविष्य निर्भर है। व्हेन आई वाज थ्रो जब मैंने अपना सारा काम कर लिया तो आई रिपोर्टेड मैंने सूचना दी टू दी हेड टीचर को सूचना दी। शी वाज ए यांकी वुमेन वो जो है एक यांकी वुमेन थी अर्थात उत्तरी अमेरिका की रहने वाली स्त्री थी। हु न्यू जो कि जानती थी जस्ट वेयर कि कहां पर टू लुक माने खोजा जाए फॉर डर्ट कि धूल को कहां पर खोजा जाए वो जानती थी इस बारे में। शी वेंट वह गई इन टू दी रूम कमरे में गई इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया फ्लोर फर्श का क्लोजेट्स सभी अलमारियों का। देन शी टुक तब उन्होंने लिया हर हैंड करचीफ अपना
रुमाल लिया एंड रब्ड और रगड़ा इट, मैंने उसे ऑन द वुड वर्क और सभी वुड वर्क पर रगड़ा, लकड़ी से संबंधित सारे सामानों पर रगड़ा, अबाउट द वॉल्स दीवार पर रगड़ा एंड ओवर द टेबल टेबल पर रगड़ा एंड बेंचेस और बेंच पर रगड़ा, व्हेन शी वॉज अनेबल जब वह असफल रही टू फाइंड द बिट फाइंड वन बिट और वो जब वो पाने में एक भी बिट ऑफ डर्ट धूल का एक भी कण पाने में वो असफल नहीं, ऑन द फ्लोर फर्श पर या ऑन ए पार्टिकल या एक भी कण ऑफ डस्ट धूल का एक भी कण, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पर जब वो धूल का एक भी कण पाने में असफल रही तो शी क्वाइटली रिमार्क्ड उन्होंने धीरे से रिमार्क किया, एक धीरे से उन्होंने टिप्पणी की कि आई गैस मुझे अनुमान है कि यू विल डू टू एंटर तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा दिस इंस्टीट्यूशन इस इंस्टीट्यूशन में तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मैं था एक ऑफ द हैप्पीएस्ट माने सबसे अधिक प्रसन्न साउल्स माने व्यक्तियों में से ऑन अर्थ उस समय पर मैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्रसन्न व्यक्ति थे उनमें से एक था। द स्वीपिंग माने सफाई ऑफ दैट रूम माने उस कमरे की जो सफाई थी वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन वो मेरी कॉलेज की एग्जामिनेशन थी। आई हैव पास्ड मैंने पास किए हैं सेवरल एग्जामिनेशंस बहुत सारे एग्जामिनेशंस पास किए हैं सिंस देन तब से मैंने बहुत सारी एग्जामिनेशंस या परीक्षाएं पास की हैं। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि दिस वॉज द बेस्ट यह सबसे अच्छी थी वन आई एवर पास्ड जो मैंने कभी पास की थी। तो दोस्तों यह चैप्टर का पूरा वर्ड बाई वर्ड अर्थ था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का और ये उम्मीद है कि यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके समझ में ठीक प्रकार से आ गया होगा और इसका रिवीजन आप करते रहें ताकि और भी जो भी कमियां हैं वो उनको दूर किया जा सके। तो अगली वीडियो में फिर मैं एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार।